दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ मॉल फैसल के। एग्जामिनेशन ख़त्म हो गई है और उसे कपड़े दिलाना है और उसने बोला था कि एग्जामिनेशन जब ख़त्म हो जाए तो मैं वहाँ जाऊँगी। तो चलते हैं ना। तो आंटी मैं और उसकी अम्मी जो है, मेरी आपी जो है, वो हम लोग साथ में जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं। अब मेरी फ्रेंड्स हम चल रहे हैं। जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ वहाँ के देखिए सड़कें थोड़े से डैमेज हैं, पर अभी तो माशाल्लाह आ जा सकते हैं, लेकिन बारिश में बहुत मुश्किल होता है जाना क्योंकि पानी पूरा भर जाता है। तो देखिए ये है वी मार्ट मॉल और हम यहीं से सारी शॉपिंग करते हैं। और देखिए हम पहले ही इन कर चुके हैं, आप ही और फैसल आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे रियल जूस है और यहाँ पे एक काउंटर है पेमेंट करने के लिए होता है। और इस साइड मैं आगे जा रही हूँ तो यहाँ पे सारे प्लास्टिक के सामान मिलते हैं। फिर जैसे सारे सामान रखने के लिए होते हैं डब्बे में, वो पानी की बॉटल है, बट मुझे ये सब लेना है नहीं, मुझे तो कपड़े लेना था। यहाँ पे फिरोजी कलर का डब्बा है, बड़े साइज का है और ये 100 रुपीज़ में 3 है। मुझे छोटे साइज का चाहिए था, वही मैं देख रही थी। तो इस साइड आए तो देखिए यहाँ पे प्लेट है सारे रखे हुए हैं और ट्रे भी है। तो ट्रे इससे पहले मैं आई थी देखने के लिए तो मैं नहीं ले पाया, तो हमको लगा कि शायद मिल जाएगा, पर वैसा वो मिला ही नहीं। और बहुत अच्छे अच्छे चीज़ है कलेक्शन, आप यहाँ ज़रूर आके ले। और ये पैन है तो वो भी मैं देख रही। यहाँ पर भी सारे पर्स और इस साइड सारे बॉल्स हर कलर के हैं, जैसा चाहेंगे आपको मिल जाएंगे। ये बॉडी स्क्रबर और इस लाइन में हम जा रहे हैं तो यहाँ पे कुर्ती फ्रॉक्स कॉटन के अच्छे अच्छे हैं, पर मुझे नहीं लेना है। पर अब मैं जा रही हूँ ऊपर की फ्लोर पर और सीढ़ी के पास देखिए पीरे है, डस्टबिन सब रखे हुए हैं। तो बच्चे के कपड़े सेकंड फ्लोर पे मिलते हैं और जो फर्स्ट फ्लोर पे है वो सीनियर लोगों के मिलते हैं, तो इसलिए मैं ऊपर जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं सेकेंड फ्लोर पर आ गई। यहाँ पर सारे बॉयज़ के लड़के के कपड़े मिलते हैं और इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो सारे गर्ल्स और इससे छोटे बच्चे उन लोगों के मिलेंगे। और अच्छे अच्छे इसमें यहाँ कलेक्शन मिल जाते हैं, अकाश से जब कोई फेस्टिवल हो तो इस मौके पे ज़्यादा मिलते हैं कपड़े, तो यहाँ ज़्यादातर होता है। तो मैं फैसल का यहीं से परचेस करती हूँ कपड़े। और इस साइड में तो देखिए छोटी लड़की के ये होली का ड्रेस है, वाइट ड्रेस कुर्ती अच्छा लग रहा है देखने का। वैसे भी छोटी लड़की के जो ड्रेस होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो मैं इस तरफ आके देखी तो फैसल को मैंने ये टी शर्ट दिखा रही थी तो उसे नहीं पसंद पड़ा। तब उस लाइन में और जाने में बहुत कुछ चेक करना पड़ता है कहाँ पे क्या है, कौन सी चीज़ मिल जाए परफेक्ट। तो यहाँ पे व्हाइट शर्ट और ये लगा हुआ वही मैंने देख। तो फ्रेंड्स इतने सारे मैंने कपड़े देखे तो हमको कुछ पसंद नहीं पड़े। और अक्सर आप देखिएगा कोई भी चीज़ एक नज़र में जो चीज़ पसंद पड़ जाता है बार बार वहीं पर जाने का मन करता है। तो ये शर्ट को 2 से 3 बार देखा नहीं, हम सब कपड़े हमको यही पसंद पड़ा। तो ये मैं निकाल के देख रही हूँ, इसके फैब्रिक को चेक कर रहे हैं और इसके कपड़े को भी देख रहे हैं और इसके लेंथ को भी कि इसके लिए फ़िट होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए सारे यहाँ पे कपड़े बच्चे के लिए एक से एक मिल जाते हैं। अगर आप इस मॉल से परचेस कर सकते हैं तो बाहर से अच्छे किफ़ायत में मिल जाते हैं और बहुत सारे ड्रेस और कलेक्शन रहते हैं देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग डिजाइन के कपड़े। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँ कि आप यहाँ आएँ और आके ज़रूर लें। तो मैंने सारे कपड़े ले लिए, फैसल के सारे कपड़े को मेजरमेंट भी कर लिया, अच्छा परफेक्ट है। तो अब हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पेमेंट करने के लिए। अब फैसल दिखा रहा था कि ये देखिए, हमने बोला कि नहीं बाद में जब घर पे जाएंगे तब देखें। तो इस लाइन में देखिए सारे बर्तन हैं यहाँ पे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कलरफुल बॉल्स से हर कलर के हैं, जैसे चाहे आप ले लीजिए। तो ये मैंने ऑरेंज कलर के बॉल से 2 लिए हैं, 100 के 2 पीस है, ज़्यादा महंगे नहीं, अच्छे मिल जाते हैं प्राइस में। फ्रेंड्स यहाँ 3 दिन का ऑफर है, मतलब 2 सामान लेने पर 1 फ्री है आपको मिलेगा। तो मैंने तो वो चीज़ नहीं लिया, हमने सिंगल वही सब लोग रेट बैठा देते हैं यहाँ बहुत, जैसे हमेशा यहाँ आते हैं अच्छे रेट में मिल भी जाते हैं बाहर से, कभी कंपेयर करते हैं या तो कभी बाहर का रेट ज़्यादा रहता है या अंदर ये मॉल के रहते हैं। तो यहाँ पे काउंटर पे मैं आई हूँ इसका बिल पेमेंट करने के लिए। मुझे पेमेंट करने के बाद सब्जी मार्केट जाना है, कुछ सब्जी लेने हैं। और यहाँ पर देखिए फैसल इधर उधर अपने देख रहे कुछ सामान। तो फ्रेंड्स अब हम आए सब्जी मार्केट, यहाँ पर देखा कि एक आंटी हरा चना बेच रही हैं तो हमने उनसे लिया। अच्छा 200 रुपये KG ये हरा चना, स्टार्टिंग इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ही रहता है, तो कभी काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो फिर इसके बाद आए हैं हम भिंडी लेने के लिए और देख रहे हैं ज़्यादा मतलब छोटा नहीं है, मीडियम ही साइज का है। पहले जब सब्जी लेने के लिए आते थे वो सस्ता भी रहता था और चुन कर भी वो देता था, खुद ही देता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आए तो वही आप ही मेरी चेक करके ले रही हैं, कॉर्न जिसको भुट्टा कहते हैं, अच्छा लगता है खाने में भूनकर। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम लोग घर पर आ गए हैं। मैंने क्या क्या खरीदा है सारा सामान हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए फैशन ने क्या क्या सामान खरीदा है, एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फैशन का ये वाला टी शर्ट है और इसकी प्राइस बताते कितना है, 275। इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद पड़ा। और ये वाला देखिए, ये दूसरा टी शर्ट, ये है 475 की है। और ये देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा है। ये है तीसरा दिखा रही, ये पार्टी वियर, ये शादी भी जाएगा, ये उसके लिए लिया है पहनने के लिए। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 900 की है और ये बहुत ही खूबसूरत है डिजाइन। तो फैशन ने तो सारा सामान अपना शॉपिंग कर लिया है, पर अभी हम लोग ने कुछ भी शॉपिंग नहीं किया। तो फैशन का सारा हो गया है, जब हम लोग अपना खरीदेंगे तब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बाउल्स लिए हैं, ये 100 के 2 पीस से ही रेसिपी में काम आ जाएंगे, जब भी खाना बनाएंगे तो उसको सर्व करने के लिए अच्छा लगा। और यहाँ पे जो देख रहे हैं शॉर्ट साइज के जो डब्बे, हमको यही चाहिए थे, 3 पीस से 50 रुपीस के पड़े। तो फ्रेंड्स ये भिंडी है, 1/2 kg मैंने भिंडी लिए थे। और जब भी इसको हम बनाएंगे आपके साथ, जब कभी भी बनाएं तो इस रेसिपी को आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये हरा चना मैंने लिया है और ये जनवरी के महीने में स्टार्ट होता है और मार्च के लास्ट में ख़त्म हो जाता है। ये बिहार का फेमस है और स्टार्टिंग में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ही रहता है। अब ये देखिए भुट्टे, ये देखिए गए थे लाने के लिए सब्जी मार्केट, तो मुझे भुट्टा पे नज़र पड़ गया तो हम गए, तो वहाँ भुट्टा भी 1 kg ले लिया है, अच्छा लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी तो वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखें।